अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वी आर एट अविका नगर CSWRI। आई लव CSWRI। आगे चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपने CRIG के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। ये CRIG से बहुत ही बड़े लेवल पे है। ये बेसिकली मेंढे दुम्बो जो दुम्बे होते हैं उन पे काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया। इनका जो मेन ब्रांच है हम वहाँ पर हैं अभी। इनके ब्रांच जैसलमेर में भी हैं, तमिलनाडु में है, हिमाचल में है। मैं यहाँ पर शकील भाई के साथ आया हूँ, आसिफ भाई भी हैं हमारे साथ में। जैसे वीडियो आगे जाएगा आपको उनसे भी मुलाकात कराएंगे। शकील भाई पहले विज़िट कर चुके हैं जगह, आसिफ भाई फर्स्ट टाइम आए, तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है, फॉर मी ऑल्सो टू विजिट दिस प्लेस। ये 9 किलोमीटर के रेडियस में है। इट विल बी अ वेरी बिग लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। मैं कोशिश करूँगा थोड़े थोड़े मैं वीडियो बना लूँ। बारिश हो रही है आज एंड हर एक किलोमीटर पे अलग अलग बाड़े हैं, अलग अलग ब्रीड है, जिसके बारे में हम देखेंगे, बात करेंगे एंड वी ब्रिंग अ लॉट ऑफ मोर वीडियोज़ फॉर यू। सारी सिरोही बकरी हैं यहाँ। ये मालपुरा है, कौन सी नस्ल है? सिरोही। शकील भाई बहुत टॉप क्वालिटी की बकरी है, फुल टॉप क्वालिटी की। आसिम भाई प्योर जो ब्रीड बोलते हैं ना, इस फार्म में तैयार होती है, एक नंबर ब्रीड है। और ये जो है फार्म जो है सरकारी है। बकरे ज़्यादातर अंदर ही होते हैं ना? अभी तो सब फीमेल खड़ी है, मेल अलग बंदा। मेल अंदर ब्रीडिंग के लिए ही रखते हैं। ब्रीडिंग के रखते हैं। ये तो बरसात हो गई ना तो सारा आप कहाँ ले गए अभी इनको? चरा रहे हैं अभी, चराने ले रहे हैं। और आगे कितने बजे तक चराते हो? 5 बजे तक। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखना। और ये जो भी आपको स्कैन फोटोज़ दिख रहे हैं आप इसको पॉज करके इन्फॉर्मेशन देख लें। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। CSWRI ये सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी शीप भेड़ों की नस्लें होती हैं, बनूर से लेकर दुम्बो तक हर चीज़ पे ये काम कर रहे हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैंने जो कुछ बाड़े भी विज़िट किए हैं आने वाले दिनों में उनके वीडियो में डालूँगा। और ये पूरे कटिंग्स जैसे ही ख़त्म होंगे उसके बाद में आपको बहुत और भी वैरायटीज़ देखने मिलेंगी। इनका खुद का ब्रीड है अविशान, जो इन्होंने प्रिपेयर किया है शीप का ब्रीड, जो एक टाइम पे 3 से 4 बच्चे भी देते हैं। एंड जो बनूर नस्ल है उसका भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। लोकल जो ये कहते हैं वो ब्रीड का नाम वो मांड्या करके कहते हैं, MANDYA। और ये जो है इनका कर्नाटक में जो इनका सेंटर है, जैसे मैंने बताया ऑल ओवर इंडिया इनका सेंटर है, सो वहाँ पर इनकी ग्रोथ हो रही है। कई बार इनको अलग अलग ब्रीड के मेल से भी ब्रीड करवाया जाता है। शकील भाई लॉस्ट इन द जंगल। बिल्कुल बिल्कुल, फुल पेवर जंगल। ये सब घास उगाई जाती है ना इनके लिए? अरे ऐसी है नहीं, मतलब भाग गया। ले चलो चलो, आई मैं भागी हूँ। सो हियर वी आर सीइंग द ग्रेजिंग ऑफ सम ऑफ द ब्रीड्स ऑफ राजस्थान। ज़्यादा इसमें लाइक 2 to 3 मंथ्स ओल्ड किड्स हैं।
कौन सी नस्ल है इसमें? इसमें अभिशान। ये अभिशान है? नहीं, तो पाठनवाड़ी भी इसमें कोई नस्ल है। ये भेड़ पाठनवाड़ी का। पाठनवाड़ी कैसे इसका नाम है? ये गुजरात की भेड़ है पाठनवाड़ी। अच्छा, गुजरात के एरिया के हिसाब से नाम दिया गया। और ज्यादा बच्चे है ना इसमें भी? बच्चे भी हैं। और कौन सी नस्ल है इसमें? फागी की भी है? नहीं, फागी की नहीं है, ये मालपुरे की नस्ल थी। उसको मालपुरा क्यों बोलते हैं? यहाँ की नस्ल है ना मालपुरी की। अच्छा, ये जो एरिया है इसको मालपुरा, तो वहाँ की ब्रीड है। सो जहाँ की होती है वहाँ की नाम के हिसाब से होता है। वाह, सब एक ही लाइन में चल रहे हो। सो जो अविका नगर का जो सेंटर बनाया है गवर्नमेंट ने, बहुत सारी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है फार्मर्स के लिए कितना फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद की जगह, यहाँ पर आके फार्मर यहाँ से ब्रीड के लिए लेके जा सकता है, इन लोगों से यहाँ से बाय कर सकता है और यहाँ से सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे गोट फार्मिंग जो फ्लॉप हो रहे हैं लोग, उसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पे आके मालूम कर सकता है इन लोग। यहाँ पे एक से एक डॉक्टर भी, काफी बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी है जो हमसे मिले डॉक्टर साहब, कितना उन्होंने हेल्प किया हमारी। बिल्कुल, महाराष्ट्र से हमारे विदर्भ से वो डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। वो तो है। ये सारे बच्चे हैं ना आसिफ भाई? सब बच्चे हैं, सब बच्चे हैं जी। डेवलप हो रही थी, बुल सिंह वाले भी है, पट सिंह वाले भी है, मार्बल भी है, सब ये सुबह के अंदर प्योर सुबह बच्चे हैं है ना। देखो ग्रेजिंग करते हैं सर, और कितने हैवी बच्चे हैं। एक एक लड़का, एक आदमी इतने बकरे संभालता है। शकील भाई मजा आ रहा है? अलग ही मजा है। अविका नगर में घूमने का एक अलग ही मजा है। अलग ही मजा है। तो बरसात में वाह, तुम तो आए बरसात में साथ लाए। क्या बात है, मुंबई से बरसात यहाँ ले आए, क्या बात है। ये भोग बन गए इन चीजों को देख के। हां यार, बेवा छोटे बच्चे की नहीं है, वो माशाल्लाह, ये सारे बच्चे हैं नासिब भाई? ये इनके बच्चे, अपने देखा ना अभी मेल फीमेल, इसमें एक मेल बनाया अभी, सब बच्चे। अब जैसे बता रहे थे इसमें क्रॉस ब्रीड भी डालते हैं लोग जी, ताकि वो दुम्बो की नस्लें इधर आ जाएं जी सर। खाने में क्या दे रहे आसिफ भाई? ये भूसा दे रहे, भूसा ही दे रहे। ये बच्चे की चक्की वगैरह देखो, सब मस्त शक्ति भी। जैसे इसके आगे के बाल निकाले तो कितना अच्छा दिख रहा है। इसका चेहरा भी देखो ना, पीली पीस का आगे के बाल निकाल के रखे हैं। तो ड्रेस के माँ के पीछे पहना हुआ है। ये बच्चा दिखाएंगे थोड़ा, ये हाँ ये जो आगे ही है, हाँ घूम गया, और हाँ इसकी चक्की देखने में
वाह अरे बाहर चलेगा। ये तुर्की ब्रीड है, तुर्की ब्रीड है, चार है, चारों के चारों मेले और ये 100-100 किलो के ऊपर लगते हैं मेरे को। तो इनको ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है, ब्रीडिंग के लिए रखा। और ये जो हमारे यहाँ की ये देखो पीछे की इसकी चक्की वगैरह देखो, बहुत आलीशान है ना, बहुत आलीशान है। देखिए ना आप क्या डेवलप कर रखा है अपना, आपको भी अच्छा बैठ के ऊपर आए। ये दूसरा जो आया भाई जी शानदार, ये यही यहाँ ही ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं कि चौड़ाई देखो आप लोग। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, चकले देखो आप इनके अशिम भाई। पीछे का जो दुम का चकला है ना माशाल्लाह बहुत प्यारा, चारों का होंगे वैसे छह दांत आठ दांत। हाँ दांतों में जो छह छह दांत के ब्रीडिंग के लायक है, ब्रीडिंग के लायक है। इसमें एक मंडल थोड़ा सिलो है अभी खुद के खुरों से, बाकी तीन मंडल एक्टिव है पूरे जो ब्रीडिंग के लिए अभी भी रेडी है। ठीक है आओ दूसरा देखते हैं जी। ये सारी फीमेल है ना, ये सब फीमेल है सुंदर। अभी अपने मेल देखे थे, ये इनकी फीमेल है, कुछ छोटी भी है बड़ी बड़ी भी है, सब तरह की फीमेल। और लोग क्रॉस ब्रीड भी कराते हैं, क्रॉस ब्रीड कराते हैं वो भी दिख रहा है ना। वाह इसमें कई फीमेल तो अभी 51 है, सपोज तो ये वो ये फर्स्ट में खड़ी है, पांच में ये खड़ी हुई भी 51 है मेरी नजर के हिसाब से। आप चलते रहो ना, मैं बिल्कुल जो अब आ रहा है ये वाला, यहाँ से लो अभी, ये अच्छा है अब लो आप। काका नमस्ते, शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काका से पूछो वो समझेंगे। और बकरे कहाँ मिलेंगे आगे? 5 बजे आ जाइए शेड पर, 5 बजे शेड पे आ जाएंगे। बकरी शेड रहेगा आगे से रास्ता है ना, 5 बजे बाद में आ जाइए, 5 बजे के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शकील भाई हम लोग मतलब ये नज़ारा काफ़ी लाजवाब है, हाँ बिल्कुल बेहतरीन लाजवाब आपके लिए भी। फुल ब्रीडर सिरोही प्योर ब्रीड माशाल्लाह, मतलब किस तरीके से रखा जा रहा है नवीका नगर में। ये इनको संभालने वाले भाई साहब ये बहू जी है। आपका नाम क्या है काका जी से पूछो ना? राम स्वरूप जी से। बहुत अच्छे हैं आपके बकरे, कितने बकरे हैं इसमें? 62। आप संभाल लेते हो अकेले? वाह इनकी बहुत बड़ी मेहनत है रामस्वरूप जी की, और यही संभालते यही चलाते हैं। आप भी चलाते हैं रामस्वरूप जी? ग्रेजिंग कराते हैं ना इनको। आसिफ भाई कैसा लग रहा है? नजारा एक नंबर है भाई, चलते हैं आगे, आइए आसिफ भाई के साथ आगे जाते हैं। ग्रेजिंग देखना ही एक बहुत बड़ी बात है अपने अंदर। मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ ना, दिस इज व्हाट आई लाइक, बोलो एक बार आसिफ भाई। What I like? हाँ, I like grazing. I like grazing. वाह, आपके हिसाब से कैसी हैं ये सब? सब ब्रीडर हैं, माशाल्लाह। उसी सुबह में फर्स्ट जो क्वालिटी माल बोलते हैं ना बोलने वाले, जो क्वालिटी कैसे होता है क्वालिटी है सुरोही की। जहाँ तक नजर जाए ब्रीडर ही ब्रीडर। वाह अविका नगर ये जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के स्टार्ट में मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। वाह नजर नहीं हट्टी, नजारे हम क्या देंगे। सुभान अल्लाह,
बारिश की वजह से जो चमक आई है इनके ऊपर पूरा भीगा पड़ा है माल। लेकिन ये बीमार नहीं होते राइट? नहीं, अपना जो रहेगा मंडी का माल भीग जाएगा, बीमार हो जाएगा, भीग जाएगा। ये दवा वैक्सीनेशन जिस तरीके से पालन हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं पूरे फार्म में कैसे कैसे एडजस्टमेंट कर रखा है, कैसे बिठाया उन्होंने। ये चर चर के खाते हैं, बोलते ग्रेजिंग से वेट नहीं गेन होता, ये देखा उनको है ना, भराई करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कोई भराई वराई कुछ भी नहीं है, खुला आपके सामने चल रहे बकरे, देखो कैसा खा रहे हैं, अंदर घुस के चले जा रहे हो। आसिफ भाई मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, आपको मेरा फर्स्ट टाइम है हिम्मत इधर, वही तो मैं अपन दोनों के लिए तो आते रहते। जो डॉक्टर साहब जो अल्लाह उनको अच्छा रखे जिन्होंने परमिशन दी आने की, मैंने उनको कहा कि भाई मेरा ये ड्रीम है ये प्रोजेक्ट देखना, मेरा आपकी भी ड्रीम था ये प्रोजेक्ट देखना। हाँ। मैं आशिम भाई जा रहे हैं, चलो यार, और ये ड्रीम आज पूरा हुआ डॉक्टर साहब की वजह से, पूरा लोकेशन लेके आते हैं। अभी तो दुम्बे वगैरह बहुत देखने बाकी हैं, अच्छे भी शुरू होगी, दुम्बे भी है, अलग अलग भेड़ों की नस्ल भी है। चलिए उधर चलते हैं बच्चों के सेक्शन में। जी आसिफ भाई देखो ये मेरा फेवरेट बकरा आया हुआ। ओके फ्रेंड्स, सो आगे चलते हैं और ऐसी चीजें दिखाते हैं, है ना आसिफ भाई? ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पर। शफी भाई बहुत काम की जगह में, बहुत काम की जगह, 3 ब्रीड क्रॉस प्रोफाइलिंग, वाह, आविशान ब्रीड है मालपुरा ब्रीड। हाँ, ये भी मालपुरा में, मालपुरा पाटनवाड़ी। हाँ, आविशान मादा, आविशान, हाँ आविशान नर, ठीक है, जीएम जीएम जीएम, ये गोरोल गोरोल, ये देखेंगे आप, गिरोल 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 जी। ये कितने हैं अंदर वो लिखा हुआ है ना, अविशान कितने हैं सब लिखा हुआ है इसमें, बेसिकली सब चढ़ने गए हैं अभी बाहर, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अविका नगर जयपुर से सिर्फ 80 किलोमीटर्स दूर है, एंड एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।